बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तीन तजर्बात अब ग्रीक आयरीन के नाम मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2016 में अब ग्रीक का तहरीरी दावतनामा मसूल हुआ कि जादू कैसे होता है, कैसे टूटता है। इस तहरीर में कायरीन को अपने ज़िंदगी के तजर्बात लिखने की दावत दी गई थी। मेरे कुछ तजर्बात जो कि दरसाइल हैं, अगर बच्चे रात को ख़तरनाक ख्वाबों से खौफनाक हद तक डर जाते हैं, नींद से बेदार हो जाएं, सीने से शराबोर हो जाएं, तो आयतल कुर्सी का कार्ड पर आयतल कुर्सी लिखी हुई हो, इसकी ऊपरी कमीज की जेब में डाल दें तो बच्चों को रात को खौफनाक ख्वाब आना बंद, या अगर आएंगे तो वो बिल्कुल नहीं डरेंगे, मुस्कराएंगे और आराम से नींद लेंगे। शोहरत इज़्ज़त मर्तबा पाएँ, अगर आप शोहरत इज़्ज़त और मर्तबा पाना चाहते हैं तो ये आयत 7 मर्तबा रोज़ाना पढ़ने से इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इज़्ज़त कम हो जाए तो इसी तरह अगर किसी की इज़्ज़त कम हो जाए तो इन आयत को 11 मर्तबा रोज़ाना पढ़कर अपने आप पर फूंकें। सूरत यासीन की आयत नंबर 83। शादी की बंदिश का इलाज, अगर शादी में बंदिश हो तो रोज़ाना ताज़ा वज़ू करके या लतीफ़ू 100 बार 40 दिन तक पढ़ें। ख़वातीन आयाम के दिन बाद में शुमार कर लें। शादी ना हो रही हो तो, अगर शादी ना होती हो तो हर सोमवार को 4 रकत नमाज इस तरह पढ़ें कि अव्वल रकत में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरत इखलास, तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 मरतबा सूरत इखलास और चौथी रकत में 40 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा अल्लाह मग़फ़िर ली और 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। हर हफ्ते पीर के दिन ये अमल करें और 7 पीर ये अमल करना है, बहुत मुजरब है और कामयाब अमल है। बहवाला महनामा आबकरी जनवरी 2017। चलें जी, आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।